So, what do we have today? This is third lecture for history, third chapter, India's internal challenges, 9th standard. We are going to cover two topics today, nationalism and communalism. Okay, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा लेक्चर रहेगा, hardly it will take 10 to 15 minutes to get over. So, this is Basit sir welcoming you to one more lecture from your own classes, the tutors. Okay, Naxalism, Naxalite movement. This movement started at Naxalbari in Darjeeling district in West Bengal. Naxalites organized the small landholding farmers and land laborers and took charge of their lands, put up red flag and declared that the area as free territory in 1967. Now, यहाँ पर क्या हुआ था, नक्सलिज्म जो मूवमेंट है ये कैसे चालू हुआ, ये चालू हुआ था दार्जिलिंग में नक्सलबारी नाम के एरिया में. और ये जो मूवमेंट है इसमें क्या हुआ था, जो स्मॉल लैंड लेबरर्स थे, ठीक है, जो भी लेबरर्स या फार्मर्स थे जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, जो लैंडलॉर्ड्स जिनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उन लोगों ने क्या किया, उनका लैंड फ्री कराया, लैंडलॉर्ड्स उनका लैंड फ्री कराया. और उसमें जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने वाले जो फार्मर्स थे उनके ऊपर जो हो रहे अट्रॉसिटीज थी उसको बंद कराया, ठीक है. और ये फार्मर्स जो थे उनको फ्री कराया उन्होंने, उनके जो प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व कराया, ठीक है. वहाँ पर उन्होंने रेड फ्लैग ऐसा होइस्ट करके बोला कि नाउ दिस लैंड इज फ्री, इट डज नॉट कम अंडर एनीबॉडी. दिस ऑल हैपेंड इन द ईयर 1967. ऑल दोज मूवमेंट्स दैट टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस रिबेलियन आर कॉल्ड नक्सलाइट मूवमेंट. अब ये जो था ये इंस्पिरेशनल मूवमेंट था, गरीबों के लिए कुछ उन्होंने मदद की थी. अब इससे इंस्पायर होके जो मूवमेंट चालू हुआ था उसको बोलते हैं नक्सलाइट मूवमेंट. द मूवमेंट हैड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग एक्शन कमिटीज टू रेज वॉइस अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स बाय द लैंडलॉर्ड्स एंड द कॉन्फिस्केट द लैंड ऑफ द लैंडलॉर्ड्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू अमंग द टेनेंट्स. इस पर्टिकुलर नक्सलाइट मूवमेंट का मकसद ही सिर्फ इतना सा था कि जो लैंडलॉर्ड्स फार्मर्स के ऊपर एट्रोसिटीज कर रहे हैं, फार्मर्स के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उन फार्मर्स को उनका हक दिलाना, उन फार्मर्स को उनके राइट्स दिलाना. सेकेंड थिंग, लैंडलॉर्ड्स जो थे उनसे लोग लैंड छीन लेते थे और उन गरीब फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. ये काम था नक्सलाइट मूवमेंट का. अच्छा काम था, ठीक है, बट कहीं ना कहीं इसका जो तरीका था वो थोड़ा सा गलत था. ओके, लेटर द मूवमेंट स्ट्रेड अवे फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्टिव. फिर ये लोग अपने मकसद से बिखर गए, इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो लोग उससे बिखर गए. It took recourse to terrorism to prevent any government schemes and welfare policies from reaching the common people. अब ये लोग अपने मकसद से बिखर गए. और अब यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स कॉमन पब्लिक के लिए बनाती है वो कॉमन पब्लिक तक ना पहुंचे, और जो स्कीम्स गवर्नमेंट बना रही है उस स्कीम्स का अपोज करने का काम ये नक्सलाइट मूवमेंट करती है. ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है. नक्सलाइट मूवमेंट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करने लगा है. पहले उनका मकसद अच्छा था पर अब अच्छा नहीं है, जस्ट बिकॉज दे आर डूइंग वर्क ऑफ टेररिज्म. उन लोग हेट्रेड फैला रहे हैं, उन लोग कहीं ना कहीं कॉमन पीपल तक जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो पहुंचने नहीं दे रहे. दे आर ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, दे आर ट्राइंग टू यू नो डू वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय नॉट टेकिंग हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट. वो लोग गवर्नमेंट को ही सीधे सीधे अपोज कर रहे थे, या थिंकिंग गवर्नमेंट कभी भी कॉमन पब्लिक का भला नहीं कर सकती है. The Naxalites started a parallel system by rejecting the democratic system. This made Naxalism a serious challenge to India's internal security. अब वो लोग पैरेलल सिस्टम चालू करते हैं. पैरेलल सिस्टम मतलब क्या है, जैसे गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा है, गवर्नमेंट इज हेल्पिंग एंड डूइंग वेलफेयर ऑफ द पीपल, वैसे ही नक्सलिज्म, नक्सलाइट पीपल आर ऑल्सो डूइंग वेलफेयर ऑफ द पीपल. वो लोग गवर्नमेंट की तरह ही काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का काम वो लोग ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को उनका काम करने नहीं दे रहे, प्लस गवर्नमेंट का ही काम खुद से ही खुद से कर. दे आर ट्राइंग टू प्रोवोक द पीपल दैट दे शुड नॉट सपोर्ट गवर्नमेंट, दे आर ट्राइंग टू अपोज द गवर्नमेंट दैट दे शुड नॉट रीच आउट सच पीपल, ठीक है, वो लोगों को और गवर्नमेंट को दूर कर रहे हैं. ओके, ये एक सीरियस इशू बन चुका है इंडिया के इंटरनल चैलेंजेस के लिए, इसलिए इस चैप्टर में इसको इंक्लूड किया गया है. द मूवमेंट वॉज मेनली लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. सबसे पहले ये चालू हुआ वेस्ट बंगाल में, फिर उसके बाद वो ईस्ट गोदावरी इन आंध्र प्रदेश वहाँ पर फैला, फिर विशाखापट्टनम में फैला, फिर करीमनगर इन तेलंगाना, आदिलाबाद, बस्तर, राजनंदनगांव एंड सुकमा इन छत्तीसगढ़, गढ़चिरौली, भंडारा
and Chandrapur are the parts of Maharashtra where it spread, and Koraput in Odisha. अभी स्टार्ट तो सिर्फ वेस्ट बंगाल से हुआ, दार्जिलिंग से हुआ, बट लेटर ये कितने सारे जगहों पर फैल गया, पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट फैल गया है, बहुत सारे स्टेट्स में ये फैल गया है. ठीक है, नक्सलाइट मूवमेंट जो है ये इंडिया के तकरीबन ऑलमोस्ट नहीं नहीं करके 10 स्टेट्स में तो फैला है. इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर इन्फ्लुएंस द नक्सलाइट्स एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, PLGA. इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन चालू किया जिसका नाम था PLGA, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी. ये जो था ये गवर्नमेंट को अपोज करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन था, और इन लोग ने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट किया है उनके वेलफेयर करने के तरीके में. सेकेंड थिंग, दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग. ठीक है, उन लोग इंडिया में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और गवर्नमेंट और लोगों के लिए बहुत एक बड़ा चैलेंज बन चुके हैं. लोगों को हार्म नहीं करते, लोग गवर्नमेंट और उनके ऑफिशियल्स को हार्म करते. रिसेंटली 1 ईयर अगो समवेयर गच्चीरोलियो में ही बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को इन लोगों ने मार गिराया था. ये एक नक्सलाइट अटैक था. लोग गवर्नमेंट और उनके ऑफिशियल से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, लोग गवर्नमेंट को लोगों तक पहुँचने देते नहीं है. ओके, कम्युनलिज्म, दिस इज द मेन प्रॉब्लम विच इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ. कम्युनलिज्म इज अ सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री. कम्युनलिज्म इमर्जेस आउट ऑफ नैरो रिलीजियस प्राइड. द ब्रिटिश sowed the seeds of communalism in our country. People of different religions have happily lived together since many centuries. There is nothing wrong in people of different religions living together in a country while being duly proud of their own religion. But when this pride becomes excessive, then it turns into bigotry. Each one of them begins to consider their religion superior and others inferior. This leads to religious fanaticism. Now, what does this paragraph says that? कि communalism जो है ये बहुत बड़ा serious issue है. पहले बात तो समझ लो कि इंडिया के लिए अभी right now ये time पे इंडिया बहुत ज़्यादा communalism spread होते हुए देख रहा है internally. If I am following a certain religion, you are following any certain religion, अगर हमारे religion के लिए हमारे मन में प्यार है, ठीक है, और वो प्यार जो है, वो love जो है, वो affection जो है, वो अगर excessive amount में बाहर आना चालू हो जाता है, और वो जो प्यार है उसके थ्रू हम लोग दूसरे रिलीजन्स को हेट करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म. ठीक है, हम लोग हमारे रिलीजन के थ्रू दूसरे रिलीजन को हार्म या हेट करने चालू कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म. इंडिया में ये अभी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट होना चालू हो गया. ये इंडिया में फैलाने का काम किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने किया था. दिस इज बेसिकली नथिंग बट डिवाइड एंड रूल टाइप ऑफ पॉलिसी. ठीक है, गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है. दे आर नॉट ट्राइंग टू मेंटेन दी यू नो यूनिटी ऑफ द कंट्री. अपनी कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री की, और इसी डाइवर्सिटी की वजह से कहीं ना कहीं यूनिटी भी स्ट्रांग है. ठीक है, अगर एक ही टाइप के लोग रहेंगे, एक ही रिलीजन के लोग रहेंगे, दैट विल बी नॉट गुड. डाइवर्सिटी है, यूनिटी है, कम्युनलिज्म नहीं है, तब जाके कंट्री स्ट्रांग बनती है इंटरनली. पर ये आज कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर ही अंदर. Fanaticism is the base of communalism. It makes one oblivious of national interest. People of different religions don't trust each other. अभी जब communalism होता है तो हम लोग दूसरे religion के लोगों को शक की नज़र से देखने लगते हैं, हम लोग एक दूसरे को trust नहीं करते. They become suspicious of each other. Compatriots following different religions are looked as enemies. Even commensality or coming together on festivals becomes rare. As a result, it becomes difficult for everybody to come together and get organized for their demands and rights as a citizen. जब लोग बट जाते हैं धर्म के, जाति के आधार पर, तो ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है कम्युनलिज्म की वजह से. सिर्फ से फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स आर गेटिंग सेपरेटेड बाई हिंदूज, हिंदूज आर गेटिंग सेपरेटेड बाई मुस्लिम, दोनों अलग हो गए हैं, आप दोनों बात नहीं करते, दोनों एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से देखते हैं, सस्पिशियस नज़र से देखते हैं, शक की नज़र से देखते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर? वो लोग कॉमनली अपने एज अ सिटीजन अपने अधिकार को मान भी नहीं सकते. ठीक है, इफ बोथ आर डिमांडिंग समथिंग टुगेदर, ठीक है, तो समझो कोई प्रोटेस्ट हो रहा है इंडिया में, तो अगर वो हिंदूज प्रोटेस्ट कर रहे तो उसमें मुस्लिम्स शामिल नहीं होंगे, अगर वो मुस्लिम्स प्रोटेस्ट कर रहे तो हिंदूज उसमें शामिल नहीं होंगे, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो कम्युनलिज्म इज द बेस ऑफ यू नो डिवाइडिंग द कंट्री इटसेल्फ. कहीं ना कहीं कंट्री के डिविजन में, कंट्री को डिवाइड करने में ये कम्युनलिज्म का बहुत बड़ा हाथ है.
कम्युनलिज्म शुड नॉट एग्जिस्ट इन एनी कंट्री. उसके वजह से क्या होता है, सिटीजंस अपने राइट्स अपने डिमांड्स फुलफिल नहीं कर पाते फ्रॉम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट विल नॉट फुलफिल द डिमांड्स. क्या सोचेगी गवर्नमेंट की, अगर सिर्फ हिंदूज डिमांड करें तो मुस्लिम्स का क्या, मुस्लिम्स डिमांड करें तो हिंदूज का क्या, दोनों एक साथ मिलकर अगर प्रेशर बनेंगे गवर्नमेंट में तो पॉपुलेशन भी ज्यादा रहेगी, प्रेशर भी ज्यादा बनेगा और प्लस यूनिटी भी दिख के आएगी. तो दैट विल क्रिएट अ टाइप ऑफ यू नो एक यूनिटी क्रिएट होगी कंट्री में, कम्युनलिज्म को खत्म करने की कोशिश रहेगी वो. नाउ सम पीपल बिगिन टू थिंक इकोनॉमिक एंड सोशल क्वेश्चंस आल्सो इन द फ्रेमवर्क ऑफ ओन रिलीजन. सम पीपल ऑफ ऑल रिलीजंस थिंक दैट सिंस दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन दे हैव नो इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स. कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन को पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता नहीं है. से फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन हो, उन लोगों को ये लग रहा होगा कि पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट हमारे बारे में नहीं सोच रही है, सिर्फ एक ही रिलीजन के बारे में सोच रही है. ऐसा नहीं होता है. दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम एज वेल. ठीक है, इन सच ए कंडीशन दे बिकम टू सेंसिटिव अबाउट देयर रिलीजन एंड देयर को रिलीजनिस्ट. इफ एनीबडी स्पीक्स अबाउट द पीपल ऑफ द रिलीजन और इंसल्ट्स द रिलीजियस symbols knowingly or unknowingly, riots break out because of this kind of thinking. Hundreds of innocent people are killed, public property worth crores of rupees is damaged. अगर कोई किसी ने किसी को कुछ बोल दिया दूसरे रिलीजन के, तो उसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है एंड देन इट क्रिएट्स अ टाइप ऑफ राइट टाइप ऑफ सिचुएशन. जैसे दंगा फसाद होने का चांसेस बढ़ जाता है एंड इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है. पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, लाइफ का नुकसान होता है, लोगों के घर टूट जाते हैं. इट क्रिएट्स अ हैवॉक टाइप ऑफ सिचुएशन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है. पब्लिक प्रॉपर्टी वर्थ क्रोर्स ऑफ रुपीस इज डैमेज. पब्लिक पीस इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द बिटर मेमोरीज ऑफ राइट्स. पीपल आर एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम ईच अदर एंड म्यूचुअल ट्रस्ट रिसीव्स अ सेटबैक. जब राइट्स होते हैं तो लोग एक दूसरे को शक की नज़र से और ज़्यादा शक की नज़र से देखने लगते हैं और एक दूसरे से बात करना बंद कर डालते हैं कि ये तो सामने वाला जो रिलीजन का है उसने ही हमारे ऊपर अटैक किया था. हम लोग ये सोचने लगते हैं, हो सकता है कि वो भी हमारे बारे में यही सोच रहा होगा. दोनों एक दूसरे से और नफरत करने लगते हैं. पीसफुल सिचुएशंस डैमेज होना चालू हो जाती है. ट्रस्ट बिटवीन पीपल इज द बेसिस ऑफ को एग्जिस्टेंस. इफ ट्रस्ट ब्रेक्स सोशल यूनिटी रिसीव्स अ ब्लो. How can a national unity be achieved without social unity? अगर लोग एक साथ नहीं मिलकर रहेंगे, लोग एक साथ फेस्टिवल्स नहीं सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो सोशल यूनिटी नहीं बनेगी. और सोशल यूनिटी नहीं बनेगी तो ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल यूनिटी नहीं डेवलप होगी. कंट्री में नेशनल लेवल पे यूनिटी नहीं डेवलप होगी. सो हेंस इट इज नेसेसरी दैट वी ऑल काउंटर दिस रिलीजियस कम्युनलिज्म विद ऑल आवर स्ट्रेंथ. फॉर दिस we should mix with people of different religions, we should accept the good practices and ideas of each other, we should be able to look at and understand our economic and social problems rationally, we should not mix with these questions with religion, we should search for economic, political or historical reasons that are responsible for disturbing religious harmony. This is the only way to put an end to the communalism and strengthen national identity. हमको क्या करना है, हमको डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों से मिलना है. बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के लोगों से मिलना है, उनको समझना है, उनके रिलीजन को भी हमको रिस्पेक्ट देनी है, उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है जितनी हम लोग खुद के रिलीजन को देते हैं. हम लोग को सोशल हारमोनी, सोशल यूनिटी मेंटेन करने की कोशिश करनी है जिससे नेशनल यूनिटी मेंटेन हो, लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहे, फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, लोग एक दूसरे को हार्म नहीं करें, एक दूसरे को बुरा नहीं बोले, एक दूसरे के साथ उनकी जो रिलेशंस है वो स्ट्रेंथन हो. हम लोग अगर दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट देंगे तो दूसरे रिलीजन वाले हमारे रिलीजन को भी रिस्पेक्ट देंगे. अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर एंड यू नो वन डे दिस कम्युनलिज्म विल एंड. दिस इज द ओनली सोल्यूशन टू द एंड ऑफ कम्युनलिज्म. ओके, सो आई एम वाइंडिंग अप माय लेक्चर ओवर हियर. दिस लेक्चर इज द थर्ड लेक्चर एंड फोर्थ लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू सो मच.